तो ठीक है, मैं आपको शो करता हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया। तो ये जस्ट ब्रेक डाउन वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये अलग अलग कलेक्शन बना रखी है, इससे एसेट्स ऑर्गेनाइज रहते हैं। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहले ये फ्रंट आर्चिज, जस्ट ये एक सिंगल आर्च था, मैंने इसको एरे किया है। ये देख, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया। ये रहा एक सिंगल आर्च, देन एरे मॉडिफायर अप्लाई करो एंड इसकी फैक्टर वैल्यू 0.9 कर दो एंड देन काउंट इंक्रीज कर दिया जस्ट ऐसे। एंड देन इसको एक के ऊपर एक मैंने डुप्लीकेट कर दिया। एंड फॉर बैक आर्चेज, बैक आर्चेज भी जस्ट सिंपल ही है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करना है। यही जो आर्च को लिया था, जस्ट इस पर सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर अप्लाई करना एंड देन इसको बेंड कर देना जी जी एक्सिस पे और इसकी एंगल वैल्यू बढ़ा देना और ये हो गया। एंड देन नेक्स्ट स्टेयर्स, ये स्टेयर्स मैंने डुप्लीकेट करके सीन के अकॉर्डिंग स्कैटर कर लिए जैसे फिट लगे इसमें। एंड नेक्स्ट इज़ ग्राउंड, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। ये कुछ ऐसा लग रहा है ग्राउंड, ये जस्ट ब्रोकन टाइल्स ये मैंने मॉडल करी थी और इसमें भी एरे मॉडिफायर अप्लाई करके मैंने इसके काउंट इंक्रीज कर दिए और ग्राउंड पे स्कैटर कर लिए। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज़ वाटर, वाटर रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए मैंने यूज़ किया, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने कैसे बनाया। जस्ट ये सिंपल क्यूब है, मैं आपको नोट सेटअप दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से है। प्रिंसिपल BSDF, प्रिंसिपल वॉल्यूम एंड मिक्स शेल्टर के साथ इसको कनेक्ट कर रखा है। ये मेरी आप नोट देख सकते हो कैसे कुछ इस टाइप का बन रखा है। आप ये सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो एंड कलर अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे अपने सीन के हिसाब से। एंड लास्टली इज़ लाइटिंग, लाइटिंग के लिए बस मैंने स्पॉट लाइट यूज़ करी है। बस इसको थोड़ा अपसाइड रखा है ज़्यादा एंड इसकी मैंने वैल्यू रखी है 3 मिलियन और इसको थोड़ी सा ब्लू कलर दे दिया थोड़ा फैंटेसी वाइब के लिए। एंड फॉर दी वॉल्यूम मैट्रिक्स, मैंने ये जस्ट क्यूब को स्केल अप किया है। मैंने सिर्फ वॉल्यूम स्कैटर की नोड यूज़ करी है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो सिंपल वॉल्यूम स्कैटर एंड डेंसिटी 0.005 एंड एनिसोट्रॉफी 0.6 कर रखी है समथिंग मैंने। एंड ये देखो विदाउट फॉग मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है और विद फॉग देखो कितना बढ़िया लगता है। ये देखो विदाउट फॉग कितना डार्क सा सीन लग रहा है एंड कोई भी डेप्थ नहीं है लाइटिंग, बट वॉल्यूम आते ही सीन में कितनी डेप्थ आ गई। एंड लास्टली जस्ट रेंडर सेटिंग, साइकिल GPU एंड 256 सैंपल एंड मैंने इसको इतने रेजोल्यूशन में रेंडर कर लिया।